मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। और एक नया दिन और एक नया व्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी मैं फिलहाल हूँ इस लोकेशन पे और मैं आया हूँ ये रोड से, और ये रोड सीधा जाता है मुंडापाड़ बीच की तरफ, और मैं अभी फिलहाल जाने वाला हूँ इस रोड पे। तो ठीक है, बाकी बात मोटर व्लॉग में करते हैं बाकी बात। तो चलते हैं यहाँ से। यहाँ से रोड ठीक नहीं रहेगा, यहाँ से रोड खराब ही रहेगा। मेन रोड से हटके हम लोग दूसरा रोड में आ गए हैं। एक्चुअली मैंने वीडियो स्टार्ट यहाँ से इसलिए किया कि बाकी जितना भी रोड था ना, घर से लेके यहाँ तक, वो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको मुंडापाड़ ब्लॉग में, तो दोबारा दिखाने का मतलब नहीं है। अगर आपको अगर देखना ही है तो आप दोबारा देख सकते हो मुंडापाड़ ब्लॉग, ऊपर पे राइट साइड में आपके स्क्रीन में कहीं आ रहा होगा, नहीं तो मेरा चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ में मुंडापाड़ ब्लॉग को छोड़ के और भी ब्लॉग है, तो वो भी एक बार देख लेना। तभी ये साइड का रोड कुछ ऐसे ही रहेगा। अरे हट 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 हट। घर से सुबह 10 बजे निकलने का प्लान था। सुबह तो बहुत बढ़िया था मौसम, पूरा आसमान नीला था, लेकिन जब निकलने का टाइम हुआ थोड़ी देर पहले ही बारिश शुरू हो गया था, तो लगा था कि आज का प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन 10:30 तक धीरे धीरे आसमान खुलने लगा, तो 11 बजे निकला हूँ घर से। अभी टाइम 12 पार होगी लगता। इधर उधर रुक के आया, तेल नहीं था, तेल भी भरवा के आया। ये तो तगड़े स्लोप पे रोड, कंडीशन भी खराब है, स्लोप भी है रोड में, बजरी भी है रोड में, तो काय पड़ती है। रोड का कंडीशन देख के पता लगा सकता हूँ कि रोड में इतना गाड़ी चलती नहीं है। ताऊ गाड़ी थी, लोकेशन में तो पहुंच गया हूँ, एकदम लोकेशन में नहीं पहुंचा हूँ, गाड़ी जहाँ से आ सकता है वहीं तक पहुंचा हूँ। कहीं ठिकाने लगाता हूँ, साइड में गई। तो पहुंच गए पार्किंग में, पार्किंग तो नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ जस्ट बना कर रखे, यहाँ पार्क करके इसका आगे और गाड़ी जाएगी नहीं, और हमें जाना है यहाँ से। रोड दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ से ट्रैक करके थोड़ी देर जाना होगा, बस गाड़ी यहाँ तक ही, उसके आगे भी ट्रैक करके जाना पड़ेगा, यहीं से जाना पड़ेगा। एक छोटा सा ट्रैक है। आज मैं अकेला हूँ, आज राम नहीं आया। लास्ट 3 या 4 ब्लॉग में राम मेरे साथ था, तो उसका कुछ प्रोग्राम है कल, यानी संडे कल कुछ प्रोग्राम है, तो उसके प्रैक्टिस कर रहा है। वो जो मेन रोड है ना, मेन रोड से आपका जो जहाँ मैं अभी गाड़ी रखा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर शायद होगा, वो भी डाउट है, 1 किलोमीटर पकड़ लो। उसके बाद अभी ट्रैक करके जाना पड़ेगा, बस दोनों तरफ में जंगल है, और मैं अभी फ़िलहाल अकेला जा रहा हूँ, आगे पीछे तो फिलहाल कोई है नहीं, तो बस यही दोनों तरफ में जंगल, और जंगल के बीच में से एक छोटा सा ट्रैक है, पत्थर उत्थर है, बारिश हुआ करके थोड़ा सा गीला है, लेकिन चलेगा, उतना प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी है नहीं ना, पत्थर है करके चलने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जस्ट पहुंचने वाले हैं बीच में, सामने दिख रहा है बीच। We'll be right back.
ज़्यादा भीड़ है नहीं आज, बहुत कम है। पीछे दो जन बैठी है, आवाज़ तो बहुत जगह से आ रहे है, पता नहीं। अच्छा वहाँ में कुछ बच्चा लोग का झुंड है, वहाँ में स्विमिंग हो रहे है, और जंगल उंगल में लगता है लड़कों लोग का आवाज आ रहे है, इसका पीछे कहीं से आवाज आ रहे है। और बस बीच इतना ही है। वो सामने पहाड़ दिख रहे ना, वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं ना, बहुत हाइट भी है, अच्छे दिख रहे हैं। कौन सा योगा मुझे आइडिया नहीं, कुछ जो भी है अच्छा दिख रहा है। ज़्यादा दूर पता नहीं कितना दूर होगा, वहाँ शायद लोग रहता नहीं होगा। अच्छा दिख रहा है, कहीं धूप मिल रहा है, कहीं छाँव है ना, अच्छा दिख रहा है। तभी बीच पर अच्छा, यहाँ पे पूरा गैंग है। चलिए बालू का साइज देखते हैं, छोटा बालू बोलते हैं ना, एक्चुअली छोटा है नहीं, मोटा बालू है, गलत नाम रख दिया, छोटा बालू है, मोटा मोटा बालू। बस यहाँ में एक नाला है, नाला से पानी जा रहे हैं यहाँ से, अभी वो तरफ में जाना मुश्किल होगा, कहीं तो जगह नहीं है, जा सकते हो वहाँ से जा सकते हो, लेकिन वहाँ जाके भी फायदा क्या है, जाके भी कुछ नहीं है, बीच तो दिख नहीं रहा है बिल्कुल। जाने से तो यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन क्या आगे जाके कोई फायदा नहीं है, आगे बीच तो है नहीं, फिकर का पैर गीला होगा, अभी डाउट में है, जाऊँ नहीं जाऊँ, एक बार डाउट में सोचता, एक बार जाके आओ, जाके आता हूँ, पानी और भी कम होएगा धीरे धीरे, जब आया हो एक बार जाके आता हूँ, पैर गीला करके आता हूँ। नाला क्रॉस जब कर लिए एक बार घूम लेते, ज़्यादा लंबा बीच तो नहीं है, फिर भी छोटा ही बीच है, एक राउंड मार लेते विकार का, जब आया हूँ विकार का नहीं, छोटा बीच है लेकिन ठीक है, सुंदर बीच है। सामने का जो पहाड़ दिख रहा है वो बहुत बढ़िया दिख रहा है, और बीच छोटा है, इतना लोग है नहीं, बहुत कम ही लोग हैं, तो आगे तक जाऊँगा, आगे तक जाके देख के आता हूँ, ज़्यादा दूर तो है नहीं, सामने बस वहीं तक ही है। ये पेड़ सही दिख रहा है ना, एकदम सूख गया। बस बीच इतना ही था, उतना ज़्यादा लंबा बीच नहीं है, वो तरफ में बीच उधर ख़त्म है, बस उतना ही है, ये तरफ में बीच इधर ख़त्म है, आगे जाके पत्थर, तो उसका आगे तो जाना बेकार होगा। तो वहाँ से कुछ दिख रहा है शायद, वो भी एक बीच होगा, दिख रहा है वहाँ से वाइट सैंड दिख रहा है यहाँ से, चश्मा में तो अच्छा सा दिख रहा है, पता नहीं GoPro में इतना आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन एक लाइन दिख रहा है वहाँ से, वो एक बीच होगा। बस चलते हैं अभी जहाँ से आए हैं, गाड़ी की बस, स्कूटी की बस चलते हैं। तो छोटा बालू बीच को एंड करने का टाइम आ गया, और इस ब्लॉग को भी, तो अभी मैं जाऊँगा और एक नया लोकेशन में, जो कि आप अगले वीडियो में देखोगे। तो बस इस वीडियो को इतना ही था, ज़्यादा लंबा हुआ नहीं, बीच है ठीक ठाक ही बीच है, पिकनिक के लिए सही है, अगर आप पिकनिक के लिए आते हो तो आ सकते हो, लेकिन पानी उन्हें लेके आना। बस चलो इस ब्लॉग को इधर एंड करते, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।